कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। करते हैं जो व्रत पितर भी शांत हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। वैशाख अमावस शुभ दिन, कर पितरों के लिए तर्पण। वैशाख अमावस शुभ दिन, कर पितरों के लिए तर्पण। प्रिय भक्तजनों, आज हम आपको वैशाख मास में आने वाली अमावस्या उसकी व्रत कथा सुनाएंगे और पूजन विधि बताएंगे। प्रिय भक्तजनों, वैशाख अमावस्या को हिंदू नववर्ष का दूसरा महीना कहा जाता है। शास्त्रों में वैशाख अमावस्या को धर्म कर्म स्नान दान और पितृ तर्पण के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आइए भक्तों, सुनते हैं वैशाख अमावस्या का महात्म्य और व्रत कथा। प्रिय भक्तजनों, सुखी गृहस्थ जीवन के लिए पितरों का आशीर्वाद सदैव आवश्यक होता है। वैसे तो हर अमावस्या को पितरों को प्रसन्न करने के लिए उनके नाम का भोजन बनाकर गाय अथवा ब्राह्मण को दिया जाता है, किंतु वैशाख अमावस्या को पितरों के तर्पण के लिए बड़ा ही उत्तम माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार त्रेता युग की शुरुआत भी इसी दिन से हुई थी, जिस कारण वैशाख अमावस्या का महत्व और भी बढ़ जाता है। प्रिय भक्तजनों, वैशाख अमावस्या पर पितरों की शांति, ग्रह दोष, काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए उपाय किए जाते हैं।
कहते हैं अमावस के दिन नकारात्मक सोच बढ़ जाती है, ऐसे में नकारात्मक शक्तियों के प्रभाव से बचने के लिए हनुमान जी का जाप करते रहना चाहिए। अमावस्या के दिन तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए और हो सके तो व्रत रखना चाहिए। प्रिय भक्तों, अमावस्या को व्रत करने वाले भक्तों को अमावस व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए और हम आपको वही वैशाख अमावस्या की पावन कथा सुना रहे हैं, आइए श्रवण करते हैं। प्रिय भक्तजनों, धर्मवर्ण नामक ब्राह्मण के आराध्य श्री विष्णु भगवान ही थे और उनके मन में ऋषि मुनियों और ज्ञानी विद्वानों के लिए विशेष आदर सत्कार की भावना रहती थी। वो अपना अधिकतम समय पूजा पाठ और ज्ञान अर्जित करने में ही बिताते थे। धर्मवर्ण को यदि पता चल जाता कि आसपास में कोई ऋषि मुनि या विद्वान पंडित आया है तो वो उनके वचनों को सुनने के लिए अवश्य ही जाता। प्रिय भक्तजनों, धर्मवर्ण ने जब उस महात्मा से पूछा तो उन्होंने विष्णु जी की महिमा का वर्णन किया और कहा कि विष्णु जी के सिमरन से बढ़कर इस संसार में कोई पुण्य नहीं है। धर्म की आस्था तो पहले ही विष्णु भक्ति में थी। महात्मा के वचन सुनकर उसने विष्णु भक्ति करने का मन बना लिया और संसार से विरक्त होकर संन्यास ले लिया। तो धर्म
बतलाया। पिंड दान करने वाला ना कोई बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। करते हैं जो व्रत पितर भी शांत हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। वैशाख अमावस शुभ दिन कर पितरों के लिए तर्पण, वैशाख अमावस शुभ दिन कर पितरों के लिए तर्पण। प्रिय भक्तजनों, एक दिन भ्रमण करते करते धर्म वर्ण पितर लोक में पहुंच गया और उसने देखा कि वहां उनके पितर बड़े ही कष्ट में हैं। धर्म वर्ण ने अपने पितरों से उनके कष्ट का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि ये सब तुम्हारे सन्यासी होने का ही परिणाम है। तुमने ना तो विवाह किया जिस कारण वंश वृद्धि रुक गई है, और हमारा पिंड दान करने वाला कोई शेष नहीं बचा। शेष नहीं, तुम हो गए सन्यासी, कारण इसका है यही। यदि सुखी हमें देखना चाहते तो घर अपना बसाओ, करो विवाह, तुम अपने वंश को आगे शीघ्र बढ़ाओ। गृहस्थ जीवन के साथ साथ हो सकती भक्ति है, पिंड दान बिना पितरों को वंशज ही पितरों का पिंड दान कराते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। करते हैं जो व्रत पितर भी शांत हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। वैशाख अमावस शुभ दिन कर पितरों के लिए तर्पण, वैशाख अमावस शुभ दिन कर पितरों के लिए तर्पण। भक्तजनों, धर्म वर्ण के पितरों ने उसे बताया कि तुम ही हमारा पिंडदान करते थे, अब तुमने विवाह न करने का निश्चय कर लिया तो तुम्हारे पश्चात हमारा पिंडदान करने वाला कोई शेष नहीं बचा, इसलिए हम कष्ट में हैं। यदि हर कोई तुम्हारे जैसे सन्यास मार्ग को अपना लेगा तो ये सृष्टि ही समाप्त हो जाएगी, अतः सृष्टि के विस्तार के लिए गृहस्थ आश्रम भी अति आवश्यक है। यदि तुम हमें सुखी देखना चाहते हो तो जाकर विवाह करो और संतान उत्पन्न करो। पिंडदान की परंपरा चली आई बरसों से, उचित समय पर पिंडदान से पितर शांत होते। पिंडदान के लिए वंशज का अति आवश्यक होना, तब ही तो हम कहते हैं तुम जाके विवाह करो ना। पुत्र तुम्हारा हो जाए तो उसको यही बताओ, वैशाख मास की अमावस्या को पिंडदान करवाओ, तब ही शांत रहेंगे हम तो, मिले कष्टों से मुक्ति। वंश चला कर सकते हो धर्म वर्ण तुम भक्ति, उसके लिए सन्यास आश्रम उचित बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। करते हैं जो व्रत पितर भी शांत हो जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। वैशाख अमावस शुभ दिन कर पितरों के लिए तर्पण, वैशाख अमावस शुभ दिन कर पितरों के लिए तर्पण।
जनों, धर्मवर्ण के पितरों ने बताया कि मानव जीवन में चार आश्रम होते हैं, बाल आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यास आश्रम। भक्ति के लिए सन्यास आश्रम उचित होता है, अतः तुम पहले विवाह करके अपना वंश आगे बढ़ाओ और पुत्र से वैशाख अमावस के दिन हमारा पिंडदान करवाओ। प्रिय भक्तजनों, धर्मवर्ण ने पहले अपने गृहस्थ आश्रम के कर्तव्य को पूरा किया और विवाह करके पुत्र उत्पन्न किया तथा उसे पिंडदान की परंपरा को बताया। इसके पश्चात धर्मवर्ण विष्णु भक्ति में लीन हो गया और भक्ति से विष्णु जी बड़े ही प्रसन्न हो गए। अंत में धर्मवर्ण वैकुंठ लोक को प्रस्थान कर गया। प्रिय भक्तों, वैशाख अमावस्या की व्रत कथा यही है, जिसके सुनने मात्र से ही पुण्य की प्राप्ति होती है और पितरों की कृपा सदैव बनी रहती है।
संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे।